रीमा अपने परिवार में बहुत खुश थी। पति हरीश की अच्छी नौकरी थी, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खाना, बढ़िया रहन सहन सब कुछ था। रीमा के दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे। हरीश भी अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन, हरीश कहाँ हो तुम? बच्चे मूवी जाने के लिए शोर मचा रहे हैं। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? बस कार स्टार्ट ही कर रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। शो 6 बजे का है, तुम गिनती शुरू करो, मैं बस आया, ठीक है? क्या हुआ बहू? मम्मी पापा कब तक आएंगे? मम्मी हमारी मूवी निकल जाएगी। मैं दोबारा फोन करके पूछती हूँ, तब तक तुम दोनों फ्रिज में रखा केक खाओ, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाया है। रीमा बच्चों को बहला देती है, पर उसे भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ देर बाद दोबारा हरीश को फोन मिलाया, पर हरीश का फोन नहीं मिला। रीमा परेशान होने लगी। अचानक हरीश के फोन से एक फोन आता है। हरीश की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और कुछ लोग हरीश को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाते हैं। रीमा अपनी सास के साथ अस्पताल पहुंचती है। हरीश की हालत बहुत गंभीर थी, उसको बहुत चोटें आई थी। रीमा और उसकी सास का रो रो कर बुरा हाल था, पर रीमा को तो हिम्मत बांधनी थी क्योंकि उसके सिर पर सास और बच्चों की जिम्मेदारी थी। वो डॉक्टर से बात करती है और जरूरत की सारी दवाइयां खरीद कर लाती है। हरीश के इलाज पर लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं आता। घर को चलाने वाला हरीश अकेला था, जिस कारण घर में पैसों की तंगी हो जाती है। हरीश हॉस्पिटल में एडमिट था और रीमा को जल्दी ही पैसे कमाने का जरिया ढूंढना था। रीमा हरीश को लेकर चिंता में थी कि तभी उसे पिंकी और बंटी के स्कूल से फोन आ जाता है। मैम मैं स्कूल से फीस ऑफिस से बात कर रही हूँ, बंटी और पिंकी दोनों बच्चों की 3 मंथ्स की फीस आप कल तक ही जमा करवा दीजिए। मैम मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कल तक तो नहीं, मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मुझे प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है। रीमा को हर तरफ से परेशानियां घेर रही थी। वो हर तरफ काम ढूंढने जाती है, पर उसे ऐसा कोई काम नहीं मिलता जिससे उसे कुछ ही दिनों में पैसे मिल जाए। वो थक हार कर घर आ जाती है। क्या हुआ बहू, कुछ बात बनी? पैसों का कोई इंतजाम हुआ? नहीं माँ जी, एक प्ले स्कूल में नौकरी की बात हुई थी, पर सैलरी बहुत कम है और महीने बाद पैसे आएंगे, मुझे कुछ और सोचना होगा। मैम आपको रिसेप्शन पर बुलाया है। माँ जी आप हरीश के पास बैठो, मैं आती हूँ। रीमा को हॉस्पिटल के पैसे भरने थे, उसे जल्दी ही कोई काम ढूंढना था। एक दिन रीमा हॉस्पिटल के बाहर लगे स्टॉल से कुछ खरीदने लगती है। उसने देखा एक औरत ने चाय का ठेला लगा रखा है और उसके ठेले पर बहुत बिक्री हो रही है। रीमा को खाना बनाना अच्छा लगता था और वो भटूरे, छोले, कुलचे जैसी बहुत सी चीजें बना लेती थी। अगर मैं हॉस्पिटल के बाहर कुलचे छोले का ठेला लगा लूँ तो मेरी अच्छी बिक्री हो जाएगी, और हरीश भी यहाँ पर है, मैं उनकी देखभाल भी अच्छे से कर सकूंगी। मुझे कुलचे छोले का ठेला लगाना ही होगा, तभी मैं पैसे कमा सकती हूँ। रीमा अपनी सास से इस बारे में बात करती है। पहले तो उसकी सास को यह सब अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी को देखते हुए वो हाँ कर देती है। रीमा के पास थोड़ा सा सोने चांदी का जेवर बचा था, जिसे बेचकर वो उसी हॉस्पिटल के बाहर कुलचे छोले का ठेला लगा देती है। कुछ ही समय में रीमा के कुलचे छोले बिकने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी कमाई होने लगती है। हॉस्पिटल का स्टाफ जब रीमा के साहस को देखता है तो वो भी उसकी बहुत प्रशंसा करता है। कुछ समय बाद हरीश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाता है। रीमा आज तुम्हारे संघर्ष की वजह से मुझे नया जीवन मिला है, मुझे सब पता है, माँ ने मुझे सब बता दिया है, तुम्हें कितने दुख देखने पड़े। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, जिसने मुझे और इस घर को पूरा संभाल लिया। रीमा हरीश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने सचमुच एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है। ये सब भगवान का और आपका आशीर्वाद है माँ जी, जो मुझे हिम्मत देता है। रीमा ने कुलचे छोले का काम नहीं छोड़ा, उसी की मेहनत से घर का गुजारा होता था। रीमा ने कुछ पैसे जोड़कर हॉस्पिटल के पास ही एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब वो वहां पर कुलचे छोले के साथ साथ और भी खाने की चीजें बेचने लगी। हरीश की भी तबीयत में सुधार हो गया था, इसलिए अब वो रीमा के साथ ही उस रेस्टोरेंट पर बैठकर काम में मदद करता था। रीमा के संघर्ष के कारण आज उसके परिवार में खुशियां फिर से लौट आई थी। आज जया बहुत खुश थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा राहुल सालों बाद कामकाज से छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था, और वो चाहती थी कि अब उसके बेटे राहुल की शादी उसकी सहेली सुषमा की बेटी पलक से हो जाए, जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी।
उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। जया और पलक दोनों घर को सजाने में लगी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जया जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और जया और पलक की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि राहुल शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी राधा को लाता है। माँ, ये राधा है, आपकी बहू। राधा जया के पैर छूती है। राधा को देख जया एकदम चिढ़ जाती है, क्योंकि उसका रूप रंग एकदम काला होता है और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी। पहले जया अपने बेटे राहुल से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर राहुल और राधा का स्वागत करती है। राधा बोली, अयो माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है जी। राधा का काला रंग रूप देखकर जया की सहेली सुषमा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाय राम जया, तू तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बहुत कहा करती थी ना तू कि तू अपने बेटे के लिए चांद का हूर लाएगी, लेकिन लेकिन तेरा बेटा तो काला लंगूर उठा लाया है। चल बेटी पलक, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। ताना देकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा का ताना सुनकर बेचारी राधा को बहुत बुरा लगता है और जया भी अपनी बहू के सांवलेपन की वजह से उसे नापसंद करने लगती है और उससे चिढ़ी चिढ़ी रहती है। अब राधा दिन भर घर का काम काज करती और सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन जया उससे ना खुश रहती। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा या नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, काम चोरी तो कोई तुझसे सीखे वाला। अयो हाँ माँ जी, अभी लाई जी। राधा नाश्ता लेकर आती है, जो देखकर जया का चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या बनाकर लाई है करमजली? वो माँ जी, ये हमारे तरफ का खास डिश है जी। ये पुट्टू, ये उपम, ये वड्डा सब आपके लिए खास बनाया है जी, आपको पसंद आएगा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। हाय राम, आज तो भूखा ही मारेगी ये मद्रासन। जा जाकर मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ला, ये सब तो मेरी नौकर भी ना खाए। राधा रोते हुए बोली, अयो माँ जी माफ करना, पर वो सब तो मुझे बनाते नहीं आता जी। हाय राम, ना जाने किस पाप के बदले ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। चल हट अब जा यहाँ से, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जया जानबूझकर बार बार मौका ढूंढकर राधा की बेइज्जती करती ताकि वो परेशान होकर घर छोड़ दे। एक शाम राधा शॉपिंग से अपने लिए कुछ कपड़े और गहने लाती है और खुशी खुशी अपनी सास जया को पहनकर दिखाती है। अयो माँ जी, ये कपड़े और गहने कैसे लग रहे हैं जी, कल उनके साथ ऑफिस की पार्टी में पहन कर जाने के लिए। आए हाय, ये कपड़े और गहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन तेरे जले हुए चेहरे पर नहीं, मेरे खूबसूरत चमकते हुए चेहरे पर, समझी? ला दे ये मुझे, बड़ी आई तैयार होकर पार्टी में जाने वाली, इसे पहनकर आज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। अयो माँ जी ठीक है जी, ये सब आप पहन लीजिए, लेकिन मैं भी चलूं क्या आपके साथ किटी पार्टी में जी? जया ताना मारते हुए बोली, तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, मैं और पलक जा रहे हैं, तुझसे लाख गुना खूबसूरत है वो। जया राधा का मजाक उड़ाकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पार्टी में जया की एक सहेली कहती है, अरे जया बहन, मैंने सुना है कि तेरा बेटा खूबसूरत बहू लेकर आया है, पर तूने तो अभी तक उसकी मुंह दिखाई भी नहीं की, तो हम सब सोच रहे हैं कि परसों हम सब तेरी बहू से मिलने आए, उसके हाथ का खाना भी खा लेंगे। लेकिन वो बात वो है कि अब बात बात कुछ नहीं, हम सब परसों आ रहे हैं तेरी बहू की खूबसूरती देखने। ये सुनकर जया की चिंता बढ़ जाती है, वो परेशान होकर घर पहुंचती है। हाय राम, अब क्या करूं? क्या करूं? मुंह दिखाने में तो सबको पता चल जाएगा कि ये कलमुही मद्रासन मेरे घर की बहू है, लेकिन इतनी देरी हो गई, आखिर ये मद्रासन गई कहाँ? घर छोड़ के तो चली नहीं गई, भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। तभी राधा बाजार से सामान लेकर घर आती है।
आ गई महारानी, जब देखो तब शॉपिंग करने निकल जाती है और यहाँ मेरे गले में जान अटकी पड़ी है। और ये क्या हालत बनाकर आई है, कपड़े गंदे और हाथ में खरोच, किसी से मारपीट करके आई है क्या कलमुही? अयो माँ जी, वो क्या हुआ ना जी, बाजार में एक चोर एक महिला और बुजुर्ग का सामान लेकर भाग रहे थे कि तभी। अच्छा ठीक है समझ गई, अब ज्यादा मुंह मत चला, मैं बहुत चिंता में हूँ इस वक्त। माँ जी ये आपके लिए, आपके घुटनों की दर्द की दवाई और ये आपका चश्मा, ठीक करवा कर लाई हूँ। और माँ जी एक आज बाबा मिले थे, उन्होंने ये मिट्टी दी है, बोला बहुत चमत्कारी है ये, इसे चेहरे पर लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी जी। हाँ हाँ, अब एक दिन में तो कोई चमत्कार ही तुझे गोरा कर सकता है, भगवान मेरी लाज बचाए। अब जा यहाँ से, परसों तेरी मुंह दिखाई है, जितना हो सके अच्छे से तैयार होकर जाना, समझी? अब राधा की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। जया की सब सहेली राधा की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती है। राधा खूब अच्छे खाने के पकवान बनाती है और घूंघट डालकर बैठी होती है। जब जया की सहेली गीता राधा का घूंघट उठाती है तो चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल गोरी परियों की तरह सजी हुई। राधा की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे जया बहन, ये तेरी बहू है, सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है, लाखों में एक है लाखों में। तू जानती है कल ही की बात है, बाजार में एक दो चोर मेरे और बाबूजी का सामान लेकर भाग रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, तब तेरी बहू ने बड़ी बहादुरी से उन चोरों से हमें बचाया और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तब हमें पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर रह चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इतनी होनहार बहू मिली है सच में। अपनी सहेली गीता के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनने के बाद जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहू की बदसूरती के आगे कभी उसकी अच्छी खूबियों और खूबसूरत मन को देखा ही नहीं। और इसके बाद अब जया और राधा खुशी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और साथ ही किट्टी पार्टी में भी जाने लगे। तो दोस्तों देखा आपने, इसलिए कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती उसके तन से नहीं बल्कि उसकी अच्छी खूबियों और मन से होती है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।